बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम रेस्ट हाउस के नजदीक खड़े हैं। ये वो रेस्ट हाउस है जो आज खंडर है, जिसकी स्थिति आज आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से। जो ये रेस्ट हाउस होना था, जो जहां एमपी एमएलए, यहां के जितने भी आरसीपी कॉलोनी में जो मिनिस्टर या जो बड़े अधिकारी जो बाहर से आने थे, जो मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो जाने थे, उस समय के लिए रेस्ट हाउस थे। ऐसे सिर्फ हम एक रेस्ट हाउस का दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि सावा में कभी रेस्ट हाउस थे जिन्हें रुकने का सिस्टम बनाया गया था, लेकिन रेस्ट हाउस जो है उनकी हालात जो है वो आपको दिखा रहे हैं। सावा ने कॉलेज तो खोया ही खोया है। ये वो रेस्ट हाउस थे जहाँ आरसीपी कॉलोनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत यहाँ पे बताया जाता है भी 6 से 10 रेस्ट हाउस है, जहाँ पे मतलब एक साथ पूरे प्रदेश की अगर कैबिनेट या फिर कोई भी पूरे जो मंत्री यहाँ आते या एमएलए आते तो वो एक साथ रह सकते थे। इतने रेस्ट हाउस थे, बनाए गए थे, निर्माण किए गए थे, ताकि जो है यहाँ पे सुविधाएं दी जा सके। ये लाइट कनेक्शन भी यहाँ लग चुका था और फ्यूज लग चुके थे, और ये जो तारे हैं वो गवाह है भी, यहाँ पे लाइट थी। हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे। हमने देखा है कि यहाँ आज भी पानी आता है, वो पानी का दृश्य भी आपको दिखाएंगे। हालांकि हम पानी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि पानी जो है किस समय आता है हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हम सावा में पहुंचे हैं। सावा की उन तस्वीरों को आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रेस्ट हाउस का एक छोटा सा गेट जो है आपको दिखाने जा रहे हैं। ये गेट खुला था, आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो हालात है वो साफ है। ये जो खंडर है पूरा का पूरा सिस्टम खंडर है, लेकिन सावा ने ये रेस्ट हाउस तो खोया ही खोया है। लेकिन उस समय जो नहर परियोजना में आरसीपी कॉलोनी बनने जा रही थी, सावा को सिंचित करने का एक सपना दिखाया गया था, लेकिन सावा सिंचित नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सावा को सिंचित करने के लिए पूरा सपना दिखाया गया था, ये पूरा बनाया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार ने बिना सोचे समझे जनता के करोड़ों अरबों रुपए यूं ही पानी में बहा दिए, जिनका उपयोग नहीं किया गया। क्या सरकार ने प्रपोजल बनाते वक्त सरकार ने ये नहीं सोचा था कि ये जो कॉलोनी है या ये जो नहर है वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी, और उसका वजह जो है वो क्या रहेगी वो अलग है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जनता के पैसे बहा दिए गए, लेकिन जनता को मिला सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं मिला। क्योंकि जनता जो है यहाँ की, सावा की जो लोग थे वो ये सोचते थे कि अब हम नहर से जो है सिंचाई करेंगे, और बड़े खुश थे कि नहर निकलने वाली है यहाँ से। जो यहाँ पे लोग बरसात के चक्कर में बैठे रहते हैं और बरसात के लिए यहाँ बैठे रहते हैं, कि बरसात के बिना यहाँ फसलें नहीं होती। ये दृश्य हम आपको रेस्ट हाउस के दिखा रहे हैं। हम एक ही रेस्ट हाउस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करीबन 6 से 10 रेस्ट हाउस बने हुए हैं। इस एक रेस्ट हाउस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हालात जो है आज खंडर नुमा है। ये तस्वीरें कुछ हम आपको बता रहे थे। ये हमें नल मिला है जो ठंडा है बिल्कुल, और ये जो पानी है इससे साफ देखा जा सकता है भी यहाँ पे जो है कभी आज भी नल आता है। मतलब यहाँ पानी के कनेक्शन भी है, लाइट के कनेक्शन हम पहले ही दिखा चुके हैं, लाइट के कनेक्शन है। कई जगह बल्ब भी लगे हुए हैं, बल्ब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि लाइट बिल्कुल यहाँ जला करती थी। और ये जो रेस्ट हाउस थे कभी रेस्ट हाउस थे, लेकिन आज जो है इनकी हालात जो हैं वो साफ देख सकते हैं। ये रेस्ट हाउस में इस प्रकार के जो है ये कंटेनुमा जो झाड़ियाँ उग चुकी है, और ये जो है पूरा सिस्टम जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो इसकी हालात है रेस्ट हाउस के। ये बार बार एक ही चीज़ की दुहाई दे रही है भी, हमें बनाया तो हमारा यूज़ क्यों नहीं किया गया। अगर हमें बनाना ही था, अगर हमें यूं ही तोड़ना ही था, या हमें यूं ही खंडर छोड़ना था, हमें क्यों बनाया गया। हमारे पे जो है ईंटों से ईंटें क्यों जोड़ी गई, आज ईंटें जोड़ी गई तो हमें इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। आरसीपी कॉलोनी विकसित हुई, यहाँ नहर आनी थी। हम बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि सावा की जनता ने इतने सालों में जो ये नहर थी वो खोई है। लेकिन सावा और पूरे प्रदेश की सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि 12,000 से ज़्यादा वोटर और 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र में आपने आज तक दिया क्या है।